on you that how you are accepting the string. Our question is, write a program to accept a string, convert it to uppercase, find its length, and count number of digits and special characters. ठीक है, तो here you can accept the string by using the method call also. देखो, public static void main. अगर मुझे method call से accept करना है तो string str, बस हो गया ये input. सिर्फ इतना ही मुझे यहाँ पर लिखना होगा, right? बट अगर ऐसा नहीं है, मुझे स्कैनर से करना है, then what I have to do? For the scanner, I will use import java.util.star. Okay, and then फिर यहाँ पर string str नहीं लिखेंगे, method call के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? मेथड कॉल के अंदर स्ट्रिंग एसटीआर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे एरे में कर रहे थे सेम वैसे ही, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंटर द स्ट्रिंग. ठीक है, ये हो गया इनपुट. अब ये मैसेज आएगा यूजर को और यूजर इनपुट करवाएगा, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ स्ट्रिंग str equals to sc dot next. अब दो तरीके हैं स्ट्रिंग को इनपुट कराने के, एक तो है नेक्स्ट और एक है नेक्स्ट लाइन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट लाइन? You can take the input like this also, and by using the next line method also. यहाँ पर L capital. बोलो क्या difference है? कौन बताने वाला है? फटाफट से बताओ. If you are using the next method, it means in our program we are going to accept only one word. And if we are using the next line, it means we have to use, we have to insert, we have to accept one sentence, means more than one word. ठीक है, this is the difference between the next and the next line. तो अब यहाँ पर ये हमारा input हो गया है, okay? Next is input हो गया है. अब input हो जाने के बाद मुझे क्या करना है? See the question. Find its length और उसके पहले convert it to upper case. अब इसी को upper case में convert करना है. str equals to str dot to upper case is the method जिससे कि string को convert कर सकते हैं upper letters में. ठीक है, हाँ, मगर टू अपर केस कैरेक्टर अपर क्लास का भी होता है. डू यू रिमेम्बर कैरेक्टर अपर क्लास का भी होता है, तो उससे क्या करते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को अपर क्लास में, अपर लेटर में कन्वर्ट करते हैं. और str इक्वल्स टू str डॉट टू अपर केस से ये मेथड से पूरी स्ट्रिंग अपर हो जाएगी. ओके, देन उसके बाद एंड फाइंड इट्स लेंथ. तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ टू कन्वर्ट इनटू अपर केस. ठीक है, अभी लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, इंट लेंथ ये एक वेरिएबल है एंड हियर str डॉट लेंथ. कल एरे में भी किया था हमने लेंथ. सो लेंथ इज द मेथड, ये दिस इज द लेंथ इज द मेथड यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग.
नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग का मतलब कि लेंथ, ठीक है, तो जो भी लेंथ होगी ना वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे, राइट, str डॉट, तो str की लेंथ, तो यूजर जो भी इनपुट करेगा उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इवन द नंबर ऑफ स्पेसेस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द लेंथ, ओके, एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न इन द इंटीजर, दैट्स व्हाई हियर आई हैव डिक्लेयर्ड इन लेंथ. एक वेरिएबल लिया है लेंथ, इसका डेटा टाइप लिया है इंट. व्हाई इंट? बिकॉज इट इज इट्स गोइंग टू रिटर्न इंटीजर, ठीक है, लेंथ भी हो गया. यहां भी मैं लिख देती हूँ टू कन्वर्ट टू रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब जब भी ये प्रोग्राम खोलोगे. हाँ, नाउ नेक्स्ट, अब ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, व्हाट इज इन द नेक्स्ट लाइन, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द स्पेशल कैरेक्टर. अब देखो डिजिट्स को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिजिट मेथड यूज करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करने के लिए मगर कोई भी लेटर कोई भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये मेथड स्पेशल कैरेक्टर है, इस स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर है या नहीं है, देन हाउ वी विल नो, हाउ वी आर गोइंग टू गेट, तो जो भी लेटर जो भी कैरेक्टर लेटर भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, वाइट स्पेस भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्पेशल सिंबल, ठीक है, तो हियर वी कैन राइट. अब उसके पहले मुझे कैरेक्टर फेच भी तो कराना पड़ेगा, एक एक कैरेक्टर मुझे स्ट्रिंग से फेच कराना पड़ेगा, सो हियर आई एम गोइंग टू यूज द लूप फॉर इंट आर इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन, कहां तक चलाऊं, लेंथ तक, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहां तक मैंने इसको चलाना है लूप को, देन वी आर गोइंग टू फेच द कैरेक्टर सी एच इक्वल्स टू, how we are going to fetch the characters, character ko fetch karne ke liye kya karte hain, care at str care at of i, to i index position pe jo jo character aayega wo is ch mein aa jayega, and here i have to declare that ch as the character, theek hai, and then one counter variable int count, क्या क्या count करना है मुझे, digit, तो int count d कर देती हूँ equals to zero, और एक और मुझे count करना है what, that is special character, so यहीं पर comma लगा करके count sp लिख देती हूँ, means special character, ठीक है, तो two counter variables I have declared here, लूप एग्जीक्यूट करवाया, कैरेक्टर फेच किया, नाउ इन दिस लूप इटसेल्फ वी आर गोइंग टू चेक इफ सी एच इक्वल इक्वल, क्या करेंगे, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, है ना, तो कैरेक्टर अपर क्लास, कैरेक्टर डॉट इज, what is the question, count the digit, is digit, keep remember in the is digit this is the syntax, is digit d is capital always, if this condition is going to be true to kaun sa mera काउंटर वेरिएबल इंक्रीज होना चाहिए, काउंट डी, सो हियर काउंट डी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, बस जितने भी डिजिट होंगे ऑल द डिजिट्स विल बी काउंटेड, हो जाएगा, देन नेक्स्ट वील फॉर्म एल्स इफ. अब एल्स इफ में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
character dot is digit or is letter. Or is space. Is letter. Is space. Check the spelling of the methods. Is white space. Pura aata hai? And check the case sensitivity also. W small, capital. You are going to tell me. That I'm writing correct or not. Check them. हाँ अभी देखो जो डिजिट है जो लेटर है और जो व्हाइट स्पेस है तो वो हमें काउंट नहीं करना है. हमें क्या करना है तो यहां पे लगा देंगे नॉट. ये देखो डू रिमेंबर दिस लॉजिकल नॉट. ट्रू को फॉल्स कर देता है फॉल्स को ट्रू कर देता है. देन अगर ऐसा है तो किस काउंटर वेरिएबल को मैं इंक्रीज कर दूं स्पेशल सिंबल को. मींस माय स्पेशल सिंबल मींस इफ द लेटर इफ द कैरेक्टर इज नॉट द लेटर एंड इफ इट इज नॉट द डिजिट and it is not the white space, तो फिर वो बचा क्या? तो फिर वो special symbol ही बचा ना? Okay, then this loop close, then method close and class close. White space की spelling बोल वो फटाफट. W capital या S capital? W capital. W capital आता है और space में S capital आता है. Okay, W capital. Space is also capital. नहीं मिस. Capital नहीं तो. Only W is capital. इस तरीके से क्वेश्चन आएगा. That's why I want कि तुम्हें पता होना चाहिए which method is having the which letter as the capital and which letter as the small. हाँ, now part of the display. This else if close and here loop close. Okay, then here system dot out dot println number of digits in the number of digits in the string. कौन सा काउंटर वेरिएबल डिस्प्ले कर रहा हूं? काउंट डी. काउंट डी राइट. एंड देन number of special symbols in the string is count sp. Okay, now see we'll compile it, the method close and the class close, then execute it, execute that program. Enter the string JYOTI 1 2 3 4 5. Okay, ये देखो number of digits 5, 1 2 3 4 5. Number of special symbol 0. मैंने कोई special symbol नहीं डाला. Okay, फिर से execute करते हैं. Some special symbol we include in our input. Enter the string. At the rate 1 2 3 4
dollar hash. Three special symbol I have given. Now see, number of the special symbols, three. Okay, it means what I have done. पहले स्ट्रिंग इनपुट कराया, अपर केस किया, लेंथ किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर मूविंग. ओके, द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू काउंट द स्पेशल सिंबल. बिकॉज स्पेशल सिंबल काउंट करने के लिए कोई भी प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, तो हम फिर उल्टा सोचेंगे. जो भी लेटर, जो भी कैरेक्टर, डिजिट भी नहीं है, लेटर भी नहीं है, व्हाइट स्पेस भी नहीं है, तो फिर वो स्पेशल सिंबल ही होगा ना. इट इज वेरी इजी टू काउंट द लेटर, टू काउंट द लेटर वी कैन यूज द इज लेटर मेथड. टू काउंट द स्पेस वी कैन यूज द व्हाइट स्पेस इज डिजिट, है ना, इज अपर केस, इज लोअर केस, दैट इज इजी. बट टू काउंट द स्पेशल सिंबल के लिए हमें उल्टा सोचना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई I have written this, all these method and यहाँ पे logical not operator हमने use किया. Okay, logical not operator means it's going to return false if the if condition is giving true or vice versa. Understood? Yes. We used in the program. Variable table means in this table you are going to write each and every variable which you have used in your program with their data type and with the description. So first variable, what you have used over here, that is str. Okay, so first variable is str. Data type of the str kya liya hai humne hamare program mein, string. और क्यों लिया है, मींस डिस्क्रिप्शन मींस व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वेरिएबल टू स्टोर स्ट्रिंग, और यू कैन राइट टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर, टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर. इन एग्जाम ईच एंड एवरी प्रोग्राम सभी में वेरिएबल टेबल बनाना मस्ट, कंपलसरी, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर 3 marks. To accept the string from user. और ऐसा भी हुआ ना कि तुम्हारा प्रोग्राम रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग हो सकता है, बाई मिस्टेक यू डिडंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, यू डिडंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, प्रोग्राम एकदम टोटली रॉन्ग बनाया, बट यू आर वेरिएबल टेबल यू आर मेकिंग और मेकिंग द वेरिएबल टेबल, तो ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल टेबल यू कैन गेट द मार्क्स, एटलीस्ट 2 marks तो मिलेंगे ही मिलेंगे. Sometime it happens. Okay, now which next variable we have declared? This len. So second variable is len. Third variable is ch. But len ka data type kya hai? What is the data type of len? It is integer, or you can write int. Int mein kya kiya hai? Len mein humne to store the length of a string, right? Then third one is ch. What is the use of the ch? Care to fetch the character or to store, to fetch the character of the string. Okay. Then fourth one is counter variable. Count d. वो भी इंटीजर था. टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. एंड फिफ्थ काउंट एसपी, इट इज ऑल्सो इंटीजर. टू काउंट the number of special symbol, this is the variable table of this program, that is also I'm giving you in the chat box. Everyone must know how to make it, and it is not new thing, many time we have done this.